बोलो नाम बोलो क्या मैं जाऊं शुभम पहले आ चुके हो आ चुका काला सिर्फ दोष किसने बोला था कि तुझे काला सिर्फ दोष है इसके लिए इसके लिए नहीं इसके लिए तो काला दोष दोष का कोई मैंने नहीं कराया था ये काला सिर्फ दोष की पुछाई हुई है किसने बताया था ये बेटी है मम्मी की उसे था काला सिर्फ दोष अभी और दस साल पहले बाबू तेरे ही घर की आ रही है तेरे बच्चों की आ रही है रजे काले सिर्फ दोस्त की सप्तमी का पाठ किसने बोला पाठ मैं कर रही हूँ तो कर रही है हाँ कर रही हूँ बीच में छुट्टी है ये इसने 25 दिन बहुत तंग करा मुझे मेरे छुट्टी है कौन भैरू की चौकी छोड़ी गई है रजेश पे भैरू की चौकी चल रही है तेरे ऊपर किसी ने छोड़ी है ये भैरू के भक्त ने काला साया नहीं दिखता तुझे तेरे देखो बहुत कुछ पता होता इसे पता भी चलता और खुद साथ में चलता है काले भैरू की शमशान में जो रहता है मसानी काली के साथ उसकी चौकी छुड़ी हुई है तेरे ऊपर ये इसके इसके साथ नहीं तेरे घर में सबके साथ तेरा कभी तो पूजा में बिल्कुल मन लग जाता है और कभी ये होता है कि तोड़ दूं कुछ नहीं रखा इन चीजों में इस पूजा पाठ में ऐसा ही है ना बिल्कुल ठीक गंदे विचार झंझोड़ कर रख देते हैं चारों दिशाओं को तेरे चारों कोनों को हिला के रखा है ये पीतल की मूर्ति कौन लाया था बच्ची पीतल की मूर्ति कोई पड़ी नहीं मेरे पास पीतल की है रजे थी मैंने सारी परवाह कर दी किसके कहने पे छोटी छोटी मूर्तियां थी मेरे पास मैंने चेंज करी ना तो दूसरी रख ली कांच की जो शक्तियां होती है इतने सालों की शक्तियां जिन मूर्तियों में स्थापित हो जाती है उनमें प्राण आ जाते हैं किस मूर्ख ने बोला था कि घर से उठा के पीतल तभी तो शक्तियां चली गई ना जब बच्चे को शिशु को जन्म के सींचती है एक माँ और बड़ा करती है ऐसा ही होता है बच्चे वो तेरे घर से सारी शक्तियां जाने के बाद और तांडव समझ रही है कि एक बच्चे को घर से निकाल देने का गम एक घर से किसी भी बड़े या छोटे को घर से जिसका घर है उसको धक्के देके निकाल देने का ये दोष भी आ रहा है ये मूर्ति जो आ रही है पीतल सोए हुए का अंगूठा खींचता है जैसे कोई पांव से कोई उठा के पांव की तरफ से ऐसे खींचाता सोते हुए माँ ऐसे लगता कुछ थप्पड़ मारता हाँ थप्पड़ तो मारता ही ऐसे छेड़खानी करना वो पहले होता था अपनी होता बाबू पूछा तो आज ही ले रहे हो ना मुझसे तो सारी तो आएगी पहली बार ले रहे हो ना जी पहली बार है हाँ तो पहली बार में बच्चे सारी जितनी जो हरकतें चली हैं इन संकटों की जो आगे आ रहा है वो मैं बता रही हूँ ख्वाजा पीर की हाजिरी लगी थी क्या किसी दरगाह पे माथा टेकने गए अम्बाला गए थे ऐसे चला गया इसके मन में आया कि मैं जाना है मैंने कहा चलो तो वहां से तो फर्क पड़ा था इसको बच्चे माथा टेकने से हल्का फुल्का फर्क पड़ा था तुझे
एक बाबा है वहाँ पर, वो भी ऐसे ही सेवा कर रहे हैं हमारे घर के पास ही है, वहाँ गए थे, उन्होंने पर्चियाँ दी, वो पी है, थोड़ा फर्क पड़ा, रोता था पहले, रोना बंद कर दिया, हाँ जी फर्क पड़ा, लेकिन छोड़ दिया इसे, फिर हम कहीं नहीं गए। एक तो ये कब्रिस्तान का ताबूत आ रहा है, ताबूत समझते हो, जो पहले सदियों पहले पुराने मरने के बाद उस ताबूत में शक्तियों को जमीन में गाड़ दिया जाता था लोहे के, उसको ताबूत बोलते हैं। एक ये सिर कटा हुआ आदमी खड़ा है तेरे आगे, जिसका धड़ नहीं है सर, इसका चेहरा तो बच्चे दिख ही नहीं रहा, इसका तो इसका ये नीचे का हिस्सा है सारा, पीछे तीन तस्वीर, चार साल हो गए मेरे हस्बैंड, कोई एक्सीडेंट से ऐसे कटा है, जिसका आधा शरीर अलग हुआ ट्रेन से या किसी से, ये धड़ नहीं है उसकी, बिल्कुल नक्शा खराब हो चुका है, ये दिख ही नहीं रहा है, अलग है वो, तो इसके पापा की वो हाथ नहीं था, बाजू नहीं थी अभी, बच्चे सर उनकी डेथ होगी, उनकी डेथ हो चुकी है, चार साल कोई नहीं, ये मरे हुए हैं बाबू, ये मरे हाँ मरे हुए, चार साल हो जाएंगे, तीन चार बच्चे, मैं धड़ की इसकी बात कर रही हूँ, धड़ नहीं है बिल्कुल भी, बगैर धड़ का इंसान आगे खड़ा है, कोई नहीं, एक सैनिक चलो आप बच्चे, ये चीज हटवाने के लिए शमशान में जाएगी इसकी, एक ये धड़ वाले की और एक ये जो भैरव की चौकी आई है इसके ऊपर, अंदर है बच्चे तेरे, ये चीज ये गुब्बारे की तरह ऊपर नीचे होती रहती है, ये दिमाग पे बैठती है, दिमाग इसे पता नहीं कब दिन है कब रात है कब खा रहा है कब नहीं खा रहा, और इसे साल से तो पता ही बोतल ही दिखेगी बच्चे, ये तो बोतलें दो दो पी के खाना नहीं खा, चौकी में बोतल है क्योंकि वो छोड़ी गई चौकी है, सवा बोतल चलेगी शमशान में, कपड़े उठा के शमशान में भैरव की चौकी से ये कार्य किया हुआ है, अब का नहीं है ये, कई सालों का ससुराल की तरफ से ही है, दुश्मन तेरे चार है एक घर के, सात साल हो गए बच्चे इसको चलते हुए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, सात साल हो गए तड़प रही बच्चा, हाँ सात ये साल तड़प रहा है, जी कैसे रहा है, हाँ ये मरने के लिए चौकी की ये खत्म हो जाए तभी ये मानेगी, मतलब तेरा गरूर, उनको लगता है कि तेरा गरूर चढ़ गया, इसको उतारने के लिए तेरा गरूर ही तेरे बच्चे हैं और कुछ है ही, और तेरा गरूर ही, मैं तो इतनी नीचे होके रहती हूँ, तो उनको है ना गरूर, तो उनका है ना बच्चे, वो घमंड में किसी का बच्चा मरवा देंगे क्या, शक्तियाँ फिर ऐसे ही बैठी हूँ, माँ के सहारे चल रही हूँ, बच कैसे रही हूँ पता नहीं, तेरी माँ ही बैठी है बच्चे, पार्ट छूट जाता, मुझे फल दे बच्चे, तू मुझे फल नहीं दे रही है, फल मैं पीछे चलाए थे आज तो बस सतमी का पाठ करती है, तू मुझे फल दे, जो माँ करती है, हाँ सतमी के पाठ पे फल जरूर चढ़ा, इसको निकालती हूँ बच्चे, ऐसे करना घर में सब बच्चों के ऊपर से, किसी और से बुला लेना, किसी घर के बच्चे को नहीं जाना, ये शमशान में रखते हुए, ये लड़की तो बाहर रह रही है, कोई और पैसे वैसे देके किसी से ये हंडे सजवा के अच्छे से एक चीज बता इन बच्चों को, उसके बाद मेरे पास शनिवार को आओ तुम, माँ एक फोटो दिखानी है, चार दुश्मन माँ कौन से है घर के, एक ननंद है बाबू, सखी वाली एक ही है, एक ननंद है, वो तो फिर कह देगी कि माँ ये करवा दी, सैसे नाम है, बात सुन, सैसे नाम है, उषा का सैसे नाम है, चार लोग हैं ये, चार
एक इसी की उम्र का बच्चा है साथ में। एक तेरी सखी है बाबू, बता दो मुझे सब पता है, बता दो मैं आपके मुँह से सुनना चाहती हूँ, मेरे बच्चे को पता चल, बच्चे को भी मुझे नहीं शर्म आती है, मुझे बहुत शर्म नहीं है। साथ में रोटी खाने वाली, तेरे घर में गले से गले लगने वाली, आज छुरा भोंक दिया ना बाप, कौन माँ बताओगी बाबू, यही तो नियम है कि मैं अब मैं तो सुनना ही चाहती हूँ, सुनना तो वो चाहता हूँ जिसको ना पता, प्लीज भगत भी तो वो मेरी है, किससे सुनना चाहिए कौन है? मैं चाहती हूँ लड़की, दो रिश्ते टूटेंगे, माँ है ना, जानता है ना, माँ है ना, मैं बता दूंगी दो रिश्ते टूटेंगे, और तू भी जानता है बहुत अच्छे से जिसकी बात कर रही हूँ, फिर ऐसे ही नहीं चली बच्चे, समझ गए, हाँ चुप होगी फिर भी कुछ नहीं, वही बात नहीं तो बैठी कौन है बच्चे, नियम होता है, बड़ी बड़ी मुझे पता है ये चौकी कहाँ चली हुई है, कल को तुम्हारे दुश्मन और बढ़ेंगे, ये भी ध्यान करो, एक बात बता मुझे, सुनना चाहता है, सुनना चाहता है तो शनिवार का इंतजार कर, इसको आगे ये चौकी चलने दे जो भैरू की, और फिर आगे कर दूंगी इसी बंदे को, उससे पहले तो चौकी उतरी नहीं है, कल को नुकसान हो जाएगा तो इल्जाम किसे भद्रकाली, बाबू विश्वास तो तुझे करना होगा, बात सुन बच्चा बच्चा ना कर, काम वही सोता ही नहीं। अब सोएगा, ये चलने दे, ये मैं चलवा रही हूँ, ये आज या कल, शनिवार का इंतजार नहीं करना है इसका, देख ये जो घूम घूम कानों में जो गूंजों की आवाज आती है ना, अब देख उठता है जाता है पीता है सोता है पीता है सोता है, बस कुछ पता नहीं, मैं तो मरना चाहता हूँ, तो मरना चाहता हूँ, एक गम तुझे दूसरा भी है बच्चे, उससे जरा पीछे हट जा, समझ रहा है, पहचानो ये जो प्रेम बंधन है इससे जरा पीछे हट जा, उससे सारी चौकियां नहीं कर रही है, उसका भी असर है, उसका असर ये है कि टेंशन करता है, उसका कोई हल भी नहीं, एक सवा साल से बात भी नहीं हुई, पागल भी हो गया, ये पागल भी हो गया, पेट ही अंदर था लड़का था, पेट भी खाने का पता नहीं खा लिया, उसी उसी दिन से क्या होगा, वो तुझे आगे करूंगी तो तुम ये चलने तो दे पहले, माँ वो है कौन लड़की, जब से आई है मेरी जिंदगी पागल करती है, ऐसे लगता है जैसे मर जाए उसके लिए, है जिंदगी नरक से बदतर हो गई है, दुश्मनी जब लोग निकालते ना एक दूसरे की सीख में करके, जैसे यार दोस्त की हाँ इसको तू फंसा के ऐसे बर्बाद करना है, समझ गया, तो कैसे भी माया कोई भी माया रख सकता है, और तू एक जल्दी से विश्वास क्यों करता है, कमी दे रही भी तो है, क्यों करता है इतनी जल्दी, पहले परख ना, मामा वो लड़की ठीक है मेरे लिए नहीं है, तू ये सन्नत चलने दे, सारे राज आज ही खिलवाएगा क्या, तेरी माँ तेरे लिए ठीक है ये कभी धोखा नहीं देगी, एक बार तू इसकी सुन ले, आगे मैं खड़ी जो तेरे लिए ठीक होगा वही करूंगी, काफी बार बेटा तुम्हें बुरा लग जाता है कि माँ ने मैंने ये मांगा था और ये नहीं दिया दूसरे दिया, और हित उसमें वही होता है,
जो अच्छा होता है एक माँ वही सोचती है, एक माँ ही है जो धोखा नहीं देती, पूरी दुनिया धोखा देती, समझ। तुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा, 6 महीने का समय देगा चीज आगे करेगा, लेकिन पहले तेरा शरीर और घर का जो आदसें लगी है उनका स्वीकार होने का समय आ चुका है, उनका फल देने का समय आ चुका है, तो पहले वो उसके बाद वो, तो चुट्टी भर का सवाल है, क्योंकि सबूत नहीं होगा तो तू मानेगा नहीं, चक्कर का सीधा मसला। ठीक है बच्चे, माँ एक फोटो देख लेते हैं, आगे शनिवार को बच्चे, अभी संगत बहुत ज्यादा है।